सबसे पहले ये जान ले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से किसी भी तरह की बात कहने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास उसका सबूत हो, चाहे वो अकीदे से मुतल्लिक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतल्लिक है, किसी भी ताल्लुक से कोई चीज़ है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे पास उसका सबूत होना चाहिए। और सबूत किस तरह होना चाहिए? या तो कुरान मजीद की आयत होनी चाहिए या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस होनी चाहिए। तो चाहे ये अकीदे हाजिर और नाजिर का मसला हो या कोई भी मसला हो, इसमें तभी बात मानी जा सकती है जब कुरान से कोई दलील मौजूद हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मौजूद हो। इसलिए ये बहुत उसूली तौर पर बात समझ लीजिए कि इससे हटकर जो लोग झूठी रवायतें पेश करते हैं या कयास आराइयां करते हैं, इधर उधर की कयासी बातें करते हैं कि फला शख्स ऐसा है, फला जगह ऐसा है, तो नबी को ऐसा होना चाहिए, ये कयासी बातें नहीं, सबूत होना चाहिए कुरान से या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, पहली बात। दूसरी अहम बात यह है कि कुरान की जो भी आयत पेश की जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सही हदीस पेश की जाए, उसका जो मफहूम बयान हो, उससे जो इस्तदलाल हो, वो सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के फहम, उनके मुत्तफ़का अकीदे फहम के खिलाफ ना हो। अगर आपने कुरान भी पेश कर दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस भी पेश फरमा दी, लेकिन उससे वो मतलब आपने निकाल दिया जो सहाबा ने नहीं निकाला, ताबीन ने नहीं निकाला, अहदे रसालत में, अहदे सहाबा में, अहदे ताबीन में वो माना मफहूम नहीं चलता था, वो नहीं लिया जाता था, तो इसकी गुंजाइश नहीं है। तो पहली बात मैंने आपके सामने ये रखी कि दलील के तौर पर कुरान मजीद की आयत होनी चाहिए या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि आयत और सही हदीस का जो मफहूम आप पेश करें, वो मफहूम सलफ के अकीदे और फहम के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।